कहते हैं बड़ा भाई अगर सफल हो जाए तो छोटे भाई को मोटिवेशन मिलता है और वह भी बड़े भाई की तर्ज पर चलता है। हमारे आसपास भी ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। राजनीति में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़ा भाई राजनीति में आ गया तो छोटे भाई को भी राजनीति में ले आता है। यही उदाहरण इंडिया के टॉप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर भी सटीक बैठता है। लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया तो भला उसके भाई अनमोल बिश्नोई पर उसका साया कैसे नहीं पड़ता। आखिरकार अनमोल बिश्नोई ने भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह गैंगस्टर बनने का सपना देखा और आज लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते पर चल रहा है। आज की क्राइम कहानी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के क्राइम की दास्ता। लॉरेंस बिश्नोई की राजस्थान में अच्छी दहक थी लेकिन लॉरेंस के जेल जाने के बाद यह दहक थोड़ी फीकी पड़ गई और राजस्थान में दूसरी गैंगों ने अपना साम्राज्य बिछा लिया। यही कारण है कि लॉरेंस ने अपने छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भी जुर्म की दुनिया में उतार दिया। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का काम अपने किसी करीबी को देना चाहता था, इसलिए अनमोल बिश्नोई को राजस्थान में अपनी गैंग की कमान सौंप दी। अनमोल बिश्नोई का सिक्का राजस्थान में जमते देर नहीं लगी क्योंकि लॉरेंस का खौफ पहले से ही लोगों में भरा पड़ा था। अनमोल बिश्नोई ने अपने अपराध की शुरुआत करीब 6 साल पहले की और पहली वारदात जोधपुर में एक कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के साथ शुरू की। जब अनमोल बिश्नोई ने कारोबारी से रंगदारी मांगी तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया, इसलिए मुकदमा भी लॉरेंस बिश्नोई पर ही दर्ज हुआ। लेकिन जब जांच में अनमोल बिश्नोई का नाम आया तो जोधपुर पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को धर दबोच लिया। इसके बाद जब अनमोल बिश्नोई को जमानत मिली तो अनमोल बिश्नोई सीधा पंजाब भाग गया। लेकिन कुछ समय बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी माँ और अनमोल बिश्नोई को वापस जोधपुर भेज दिया। इसी बीच अनमोल बिश्नोई की दोस्ती गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के छोटे भाई विक्की से हो गई। इसी दोस्ती के कारण सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आनंद पाल गैंग के गैंगस्टर सुभाष बानुड़ा का भी नाम सुर्खियों में आया था। इसके अलावा मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 साफ शूटर को आनंद पाल गैंग ने शरण भी दी थी। फिलहाल अनमोल बिश्नोई देश से बाहर है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले ही लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई और भांजे सचिन बिश्नोई को फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भेज दिया था।